स्नेहके का हुजूर, खामन कहता है तलाक दे दूंगा, सास कहती है रखना ही नहीं, वजह यह है कि मेरी गोद खाली है, मेहरबानी फरमाएं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुसल्ला बिछाया, हाथ उठाए, अल्लाह बिचारी तड़पती आई है, इसकी गोद हरी कर दे, करम फरमा दे, ये बेचारी बड़ी दुखी है, बंदा नवाजी फरमा। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे हुजूर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहने लगे, आप दुआ न करें, मैं पैगाम लेके आया हूँ, इसके नसीब में ही औलाद नहीं, न करें दुआ, ने कर दी पर यहाँ तो है ही नहीं। तो ये लाडले हैं ना रब रसूल के, अल्लाह रसूल को मना लेते हैं। तो गौसे पाक कहने लगे, अच्छा नहीं इसके नसीब में दुआ, चलो ठीक है, औलाद कोई नहीं, कोई नहीं। फिर हाथ उठाया, कहे अल्लाह तुझे पता था ना कि ये मेरी तरफ आ रही है, और अल्लाह तुझे इल्म था ना मेरे दरवाजे तक आ गई है, और मालिक तुझे पता था ना दुआ का कहेगी और मैं दुआ करूंगा, तू जानता था ना, अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अब ये लोगों से जाके कहेगी, मैं अब्दुल कादर तक भी हुआ यूं पर मेरा काम नहीं बना, मिला कुछ नहीं, ये कहे और दो आंसू शेख अब्दुल कादर जिला गौस पाक, अल्लाह अच्छा ठीक है, ये कहेगी ना मैं हुआ यूं, ठीक है कोई अर्ज नहीं। लफ्ज कहे हुजूर गौसे पाक ने, तो जनाब खिजर वहीं खड़े खड़े कहने लगे, अब्दुल कादर तेरे भी कुर्बान जाऊं, और तेरे रब के, तेरे साथ प्यार के भी कुर्बान जाऊं। रब फरमाता है बोलिए कितने बेटे चाहिए बीबी को, आप कीजिए बात। तो गौस पाक फरमाने लगे, चूंकि मेरे घर आई है तो रब से फरमाए 7 बेटे तो अता कर देना। ओ भाई, इतनी सी बात नहीं लोगों की समझ में आती कि मेरा कोई लाडला प्यार वाला हो तो मैं मान जाता हूं, तो जो रब रसूल के लाडले वो जब बात करते हैं तो अल्लाह रसूल भी मान जाते हैं। भाई इतनी सी बात है, एक शख्स ने आके कहा, हुजूर मेरा वालिद इंतकाल कर गया है, रात ख्वाब में देखा, बड़े अजाब में, लोग बड़े परेशान होते हैं इन बातों पे, बड़े, लेकिन मैं बड़े दलायल कायम कर सकता हूँ। हाँ, हमें क्या मलांग समझते हैं कि हम जो बात करेंगे बगैर दलील के करेंगे, बैठ के लोग कहानियां सुना रहे हैं कि जनाब गौस पाक कैसे कर सकते थे, ये कैसे हो सकता है, तो जो कहानी तुम सुना रही हो तो काफिर भी सुना रहा है। वो कहता है अगर तुम्हारा रब सारा कुछ कर सकता है माशाल्लाह, तो फिर उसे कहो फलाना काम करे, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास। बड़ी बड़ी अजीब लोग कहानियां करते हैं और शर्म नहीं आती अल्लाह वालों के बारे में इतनी कच्ची और गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, और मुझे कहने वालों पर इतना शिकवा नहीं जितना सुनने वालों में शिकवा। ऐसे लोगों को सुनते हो जो तोहीन करते हैं रब करीम के बंदों की। सुनो, हुजूर गौसे पाक से आके कहा, हुजूर मैंने रात ख्वाब में अपने वालिद को देखा अजाब में, मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे अब्बा के लिए दुआ कर दे। तो गौसे आजम फरमाने लगे, वो यहां कभी आया था, बैठा था। हदीस है सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, कि जिक्र वालों की मजलिस में बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे सईद बख्त कर दिया करता है। ये हदीस है बुखारी मुस्लिम में, हदीस। अब तुम हदीस मानने से भी इनकार करोगे, जो अल्लाह वालों की महफिल में आए बदबख्त हो तो रब सईद बख्त कर देता है, बुखारी मुस्लिम है। जो जिक्र वालों के साथ बैठे तो रहमत उसे घेर लेती है। उसने कहा, हुजूर मेरे वालिद आए हैं आपकी महफिल में। तो गौस पाक ने बुझा लिया मुसल्ला, कहा मालिक तेरे महबूब का फरमान है ना कि जो जिक्र की महफिल में बैठे उन्हें रहमत घेर लेती है, उन पर सकीना नाजिल होता है, वो बदबख्त हो तो सईद बख्त हो जाते हैं, तो अल्लाह फिर बंदा नमाजी करना, वो हमारे साथ बैठा करते थे, मेहरबानी फरमाना, करम नवाजी फरमा। वो शख्स कहता है मैं रात को जाके सोया तो ख्वाब में अब्बा मिले, जन्नत का लिबास पहना हुआ है, और मेरे वालिद कहने लगे पुत्र सारे काम छोड़ देना, अब्दुल कादिर जिलानी का दरवाजा ना छोड़ना, खबरदार गौस पाक का दरवाजा ना छोड़ना, हमें मलंग ना समझो। आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे को मलंग तलंग लोग हैं जिसके मर्जी पीछे लग जाएंगे? हम तो बड़े सियाने लोग हैं, हम तो बड़ी जल्दी किसी बंदे को तस्लीम ही नहीं करते। हर बंदा अपने अब्बा का नाम अपने नाम के साथ लगाता है, हमने जिंदगी कादरी लिख के गुजार दी है सारी। आप क्या समझते हैं कच्चे पक्के लोग हैं? और सिर्फ यहां नहीं, वसीयत लिख के रखी है, मरेंगे भी तो कब्र पे पहले लफ्ज कादरी लिखना, इसलिए कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा, और बड़ी तहकीक के साथ और बड़ी रिसर्च के साथ और बड़े सियाने बन के। लेकिन जिस दिन का मान लिया है फिर बिल्कुल ही मान लिया है, फिर बिल्कुल ही मान लिया। आप यकीन करें, मुझे मजा आता है जब मुझे को कहता है कादरी साहब, बड़ा मजा आता है, बड़ा सुरूर आता है। कोई मेरे नाम से नहीं ना पुकारता, उसका बना के पुकारता है, कोई उसका बना के पुकारता है, कोई उसका कह के पुकारता है, तो जरा चस्का आता है, यानी उसमें सुरूर आता है, उसमें जरा कैफ आता है। हुजूर गौसे पाक आपकी निस्बत बड़ी शान वाली, आपका मकाम बड़ा। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान कादरी आला हजरत के मुरीद हैं, वो फरमाया करते थे खुदा के फजल से हम पर है साया गौस, हमें दोनों जहां में है सहारा,
और कादरी कहते हैं गौस पाक से प्यार करने वाले को, जो भी प्यार करे वही कादरी है। तो खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा, खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम, कहाँ है कादरी कर ले नजारा। और फिर फरमाते हैं जमील कादरी सौ जहां से हो कुर्बान मुर्शिद पर, अपने शेख की बात करते हैं, जमील कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम पर। ये गौसे आजम वाहद सूफिया की जमात में इमाम हस्ती हैं कि कोई किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखे, वो नक्शबंदी है, वो चिश्ती है, वो सोरवर्दी है, आज आपको सारे ग्यारहवीं देते नजर आएंगे। इसलिए कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के फैज जब बरसा है तो मी बन के ही बरसा है, और हर जगह ही बरसा है, हर जगह ही बरसा है। तो बजाय इसके कि हीलो हुज्जत करें सारी जिंदगी, अल्लाह वालों से प्यार।